अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज नंबर सिस्टम. ये टॉपिक भी उन टॉपिक्स में से है कि एक बार अगर हमारा इसका बेस बन गया तो ये हमें फर्दर क्लासेस में बहुत हेल्प करने वाला है. कल को हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन हमने फेस करने ही करने हैं किसी भी लेवल पे. ये टॉपिक एक्चुअली हमें हमेशा काम आता रहेगा इन ऑल द सब्जेक्ट्स. एक्चुअली कल को हम फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी करेंगे तो भी इस टॉपिक ने हमें हेल्प करनी है. तो इसलिए बिल्कुल जो इस टॉपिक का कंसेप्ट है वो हमारा बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए. तो जो जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनको बहुत ध्यान से समझना, साथ में बिल्कुल कॉपी पेन लेके हर क्लास के लिए रेडी रहा करो. जो जो क्वेश्चंस आए जस्ट मेक इट अ हैबिट कि उनको साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करो कॉपी के ऊपर, और प्रॉपर डेट डाल के कॉपी अपनी हमेशा के लिए रेडी करो. जब भी कभी रिविजन करनी हो साथ में हमने लेक्चर देखना पड़े दोबारा हमने लेक्चर देखा, नहीं तो हमने क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने नोटबुक से एज इट इज रिवाइज करें. तो चलो इस टॉपिक का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है पहले वो समझना शुरू करते हैं. अब बस ये पॉइंट ऑब्जर्व करो. अब नंबर सिस्टम को लेके ये कुछ बेसिक से नाम हैं जो हम पहले से जानते हैं. ये नाम हमारे सुने हुए नाम हैं. हमें क्लैरिटी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये हम जानते हैं कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन. ऐसे ही हम होल नंबर्स भी जानते हैं. होल नंबर्स होते हैं 0 से शुरू आगे सारे नेचुरल नंबर्स. इंटीजर्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं. हमने 0 के पीछे अगर गए तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स. हमें क्लैरिटी है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और सिमिलरली ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. तो ये नाम हमारे नोन नाम है. अब अगर बिल्कुल एक बेसिक सी समझ अगर अपने माइंड में बनाएं तो हमें दिखता है साफ साफ कि इन सब नंबर्स में जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं. सोचो कि एक बड़ा सा बॉक्स है उसमें सारे इंटीजर्स अगर प्लेस्ड हैं तो उन इंटीजर्स के बॉक्स के अंदर एक कोई बीच में बॉक्स होगा उसके अंदर होगा कहीं ये होंगे सारे के सारे होल नंबर्स. ये उनके बीच में होंगे. हमें क्लैरिटी है कि जो इंटीजर हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर होल नंबर 0 से शुरू होंगे. तो सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो इंटीजर्स वाले बॉक्स के बीच में आते हैं. बिल्कुल ध्यान में रखना है इस विजन को भी. और जो नेचुरल नंबर हैं वो इस होल नंबर वाले बॉक्स के भी बीच में आते हैं. ये रहा जेड, उसके अंदर डब्ल्यू और उसके अंदर एन. नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स के भी बीच में आते हैं. और ये करने के लिए हमें कुछ भी स्पेशल याद नहीं करना पड़ रहा, हमें साफ साफ विजिबल है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है. तो यहाँ तक की बात हम पहले से जानते हैं. ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को हम पहले से जानते हैं. तो जो आज वाली क्लास में शुरू करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड बहुत बेसिक सा एक नया पॉइंट है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, पर आज के बाद हम उस नाम को बहुत बार यूज़ करेंगे. तो बस अब इस नाम को ऑब्जर्व करो. पहले जो अब डिस्कस करने वाला नया नाम है इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. तो जो करना है हमने डिस्कस दैट इज़ रैशनल नंबर्स. अब ये एक नया नाम आया. तो बिल्कुल अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे चलें तो ऐसे सोचो कि रैशनल नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इसको लिख लेना. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसमें शर्त ये है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. तो कोई भी नंबर अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में आ सकता है तो दैट इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर. अब इसका कोई एग्जांपल अगर हम लें, सिंपली 2/3, देखो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, -5/7, 8/11, या फिर अगर 7/1 को भी सोचो तो एक्चुअली वो भी एक रैशनल नंबर है. तो जितने भी इंटीजर्स हम जानते हैं अगर हम नोटिस करें तो वो सारे के सारे इंटीजर्स एक्चुअली एक रैशनल नंबर हैं. क्यों? क्योंकि हम कोई भी इंटीजर अगर ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल 12, उसको हम 12/1 लिख सकते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीजर ऊपर और इंटीजर नीचे. तो जैसे ही कोई बोले रैशनल नंबर, हमारे माइंड में डायरेक्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेल बजनी चाहिए कि इट इज़ इंटीजर अपॉन इंटीजर. तो इस थॉट को ध्यान में रखना हमेशा कि रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, एक इंटीजर ऊपर और एक इंटीजर नीचे. तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. तो यहाँ से हमें एक बात हमने ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि अगर सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर का पार्ट हैं तो जो पीछे अभी हमने बॉक्स बनाया था इंटीजर्स का, जो हमने बॉक्स बनाया था इंटीजर्स का, एक्चुअली
सारे के सारे इंटीजर्स भी एक बड़े बॉक्स के अंदर हैं, और ये बड़ा बॉक्स होता है रैशनल नंबर का। इस बड़े बॉक्स के अंदर सारे इंटीजर्स भी उसके बीच में हैं। तो रैशनल नंबर एक्चुअली दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो वो इंटीजर हो या फिर वो इंटीजर ना हो, सिंपली कोई फ्रैक्शन हो, जैसे कि 2/3 या फिर -5/7, 8/11, ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं, पर हैं ये रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वाले बॉक्स के अंदर ये इंटीजर्स हैं, और जो बाहर हैं वो सारे के सारे नॉन इंटीजर्स हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शंस हैं। तो एग्जैक्टली हमारे माइंड में सबसे पहले ये वाला विजन बनना चाहिए। तो अब इस पूरी बात का एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का, इस पूरी बात को, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रूट। जो नंबर लाइन कभी हमने पहले देखी हुई है सिंपली नेचुरल नंबर्स को या इंटीजर्स को मार्क करती, अब उसी नंबर लाइन पर डिस्कशन करते हैं इन जनरल एक रैशनल नंबर की। तो बस हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पिक्चर बननी चाहिए, और अब जो पॉइंट डिस्कस करना है अभी भी बस उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करो। पहले जब कभी हमने पहले नंबर लाइन पे बात करी होती है तो सिंपली हमने 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ऐसे पीछे नेगेटिव नंबर्स, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स ऑब्जर्व करे होते हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि 0 से 1 के बीच में भी एक्चुअली बहुत सारे नंबर्स लाए करते हैं, 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पे बीच में भी रिसाइड करते हैं। देखो, जो ये सारे इंटीजर्स हैं ये हमने जस्ट अभी ऑब्जर्व करा कि वो तो हैं रैशनल नंबर, पर एक्चुअली 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर हैं जिनको हम डायरेक्टली अभी तक मार्क नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ हमें क्लेरिटी है सिंपली 1/2। 1/2 एक्चुअली कोई ऐसा नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में, तो हमें क्लेरिटी है कि दिस इज समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 1, तो दिस इज अ रैशनल नंबर जिसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसे है। अब मान लो किसी ने हमें एक और रैशनल नंबर दिया होता 2 होल नंबर 3/5, 2 होल नंबर 3/5, तो हमें क्लेरिटी है कि ये 2+3/5 है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हमें बिना मार्क करे ये क्लेरिटी है कि दिस इज समवेयर इन बिटवीन 2 एंड 3। तो ये बिल्कुल हमारे माइंड में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होनी चाहिए। इसका क्या रोल है, ये हम क्यों कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली हमें सब नज़र आना शुरू होगा। बस अभी सबसे पहले अपने माइंड में ये पिक्चर रखनी शुरू करना कि हमें किसी ने बोला 2 होल नंबर 3/5, तो हमें क्लेरिटी है कि दिस इज़ अ नंबर बिटवीन 2 एंड 3। मान लो किसी ने एक नंबर दिया -3 होल नंबर 4/7, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हम सिंपली इसको अगर एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये -3 होल नंबर 4/7 है। ये कहाँ पे होगा, -3 और -4 के बीच में कहीं, कहीं समवेयर लाइंग इन बिटवीन दिस रीजन। इसका भी क्या रोल है वो हमें दिखना शुरू होगा, बट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वॉज दिस कि पहली बार हम ऐसे देखना शुरू करें, इसका क्या रोल होगा वो हमें सब आगे दिखेगा। तो चलो अब इसी पॉइंट से रिलेटेड अब पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना शुरू करते हैं। बस इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करो पहले। जो पॉइंट डिस्कस करना है वो बहुत बेसिक है, पर हमें अब ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नज़र आने वाला है। हमें किसी ने एक रैशनल नंबर दिया, 7/8 इज़ अ रैशनल नंबर, ये देखे कहा कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वो कर पाने की हमें समझ है, सिंपली एक फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में पहले से कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, हमने इसे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया 0.875। तो यहाँ तक का प्रोसेस हम पहले से जानते थे, पर यहाँ से एक्चुअली अब एक नया नाम निकल के आया, तो अब इस नए नाम को ऑब्जर्व करना। जब हमने इसको इस नंबर से डिवाइड करा तो एक्चुअली सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पे ये 0.875 आ गया, इसके आगे सारे 000s हैं, तो जहाँ अगर ये जो डेसिमल में जब हमने इसे कन्वर्ट करा तो अगर ये टर्म वहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो इस डेसिमल को कहते हैं कि दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस नाम को ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नाम का मतलब क्या हुआ, वो डेसिमल जो कि कंप्लीट हो जाए, वो आगे बार बार ना जाए। पर जब हम जैसे ये वाला नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट आता है कि हर डेसिमल एक्चुअली टर्मिनेटिंग ही होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब मान लो कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम एक नया नंबर ले लें 1/3, 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करें इनटू अ डेसिमल नंबर, तो हम सिंपली जब 1/3 को कन्वर्ट करने जाते हैं इनटू अ डेसिमल नंबर, तो सिंपली हमने इसको डिवाइड करा, सिंपली 3 3s are 9 एंड 1 एंड अगेन, सो जो हमें रिजल्ट मिला दिस इज 0.333 एंड सो ऑन। जब हम इसको डिवाइड करने गए तो
एक्चुअली दिस डिविजन इज नॉट एंडिंग. 1/3 का जवाब क्या बना? 0.3333 एंड सो ऑन. तो नाउ दिस फ्रैक्शन इज हैज कन्वर्टेड इनटू अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो इन दोनों नामों में डिफरेंस, इन दोनों नेम्स में डिफरेंस हमारे सामने है. दिस वॉज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस वॉज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. तो हमें दिखा कि हर बार जरूरी नहीं होता कि जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो हर बार टर्मिनेट ही करे. बिल्कुल हमारे सामने ये एग्जांपल है. तो अब किसी को अगर हमने 1/3.333 एंड सो ऑन अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको ऐसे लिखने की बजाय अ बेटर वे टू एक्चुअली एक्सप्रेस दिस इज ऑफ दिस फॉर्मेट. हम सिंपली इसको 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं. तो 0.3 बार लिखने से पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि जो नंबर 3 है इट इज़ बीइंग रिपीटेड. दिस इज 0.333 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी. इसने आगे जाते जाना है. तो 1/3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रीअकरिंग. तो 1/3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जो नेम अभी हम कर रहे हैं ये हमें बहुत काम आने वाले हैं ऑनवर्ड्स, इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, रीअकरिंग इसको रीकरिंग कहते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना. तो दिस इज अ रीकरिंग डेसिमल. क्यों? क्योंकि जो थ्री नंबर है वो बार बार रीअकर करता जा रहा है. तो बिल्कुल हमें समझ में आया कि जब हम किसी रैशनल नंबर को जब भी कभी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डेसिमल तो रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे देयर वुड बी टू सिचुएशंस. या तो वो कन्वर्ट होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में या फिर वो कन्वर्ट होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल में. तो बिल्कुल हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल. जब भी कभी कोई रैशनल नंबर हमें दिया जाएगा इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्मेट अगर हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे दो सिचुएशंस बन सकती हैं. एक फ्रैक्शन को जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में है उसे कन्वर्ट करने पे दो ही सिचुएशंस बन सकती हैं. या तो वो टर्मिनेटिंग बनेगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग बनेगा. तो एग्जैक्टली ये पिक्चर हमारे माइंड में जानी चाहिए इन दिस कंप्लीट प्रोसेस. दिस इज द बेसिक टास्क. अब एग्जैक्टली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप डिवीजन कंप्लीट करके एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो. अब ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो. जो नंबर हमें गिवन है हमें विजिबल था कि दिस वाज अ रैशनल नंबर, इंटीजर ऊपर इंटीजर नीचे. तो हमसे कहा गया कि इसे कन्वर्ट करो इनटू अ डेसिमल. तो हमने सिंपली इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया. 8/3 हमने डिवाइड करा तो हमारा जवाब आ गया 2.666 एंड सो ऑन. तो दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूसली रनिंग फर्दर. तो हमें क्लेरिटी है कि क्योंकि जो नंबर हमारे सामने बना उसमें 6 एक्चुअली रिपीट करता जा रहा है इन अ फिक्स पैटर्न. तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. ये वर्ड हमारे बिल्कुल डायरेक्टली हमें पूरी तरह क्लेरिटी में हमारे माइंड में बनना चाहिए. तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लियरली इसको मेंशन कर सकते थे 2 और अकेले 6 का बार. तो ये बनता हमारा एग्जैक्टली फाइनल आंसर. तो इसको रिप्रेजेंट करने का फाइनल रूट एग्जैक्टली ये बनता. दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. ऐसे ही अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी. हमें कहा गया कि इस एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले हमें विजिबल है कि -16/45 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर ऊपर इंटीजर नीचे. इस पैटर्न को हमेशा अपने माइंड में रखना. जब हमसे कहा गया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो हमें डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की समझ तो है. तो इस क्वेश्चन में हमने नोटिस करा कि अब 25 यहाँ पे फिर से आ गया. फिर से हम इसको 250 बनाते और डिवाइड करते यहाँ पे फिर से 5 आता जाता. तो इन दिस क्वेश्चन द पॉइंट टू बी नोटिस वॉज दिस कि अब की बार जो रिपीटेटिव पैटर्न आया वो 3 के बाद आना शुरू हुआ. तो सिंपली ये क्या बना? -3.555 एंड सो ऑन. पर अब की बार जो एक्सप्रेशन रिपीट कर रही है वो बस 5 है. तो हम अब की बार बस 5 के ऊपर लगाएंगे. सो दिस वॉज द पॉइंट जो कि इस क्वेश्चन में नया आया. अगर हम इसमें गड़बड़ करते तो हम इसको -0.35 लिखते और पूरे के ऊपर बार लगा देते. तो
तो जो कोई हमारे इस आंसर को पढ़ता उसको लगता कि 3-5 एक्चुअली रिपीट करता जा रहा है, विच वॉज रॉन्ग. तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना कि जो पैटर्न रिपीट कर रहा हो बस उस पैटर्न के ऊपर हमने बार बनाना है. तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या बनता, -0.3 और बस 5 के ऊपर ये बार. सो दिस वॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस पैटर्न को भी ध्यान में रखेंगे अब ऑनवर्ड्स हमेशा. अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो. अब ये भी एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन था, -17/8. हमने माइनस साइन को अलग से रख लिया और 17/8 को एक्चुअली डिवाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा. तो जैसे हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने गए, अब की बार ये डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो ये 2.125 बना. सो दिस वॉज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बट विथ अ माइनस साइन. तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए था, -2.125. तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू भी अपने माइंड में बिल्कुल पूरी क्लैरिटी के साथ ये थॉट बनाना शुरू करना कि जो कोई भी रैशनल नंबर हमें दिया जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि अब हमें यहाँ पे गिवन था या इससे पिछले क्वेश्चन में, जब कभी भी हमें रैशनल नंबर दिया जाएगा तो उस रैशनल नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आ डेसिमल, तो वो दो सिचुएशंस बनाएगा. या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा जैसा कि अभी अभी यहाँ पे हुआ, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग बना तो वो रीअकरिंग बनेगा. तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इफ कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल, तो इट कैन टेक टू सिचुएशंस. वन इज एक्चुअली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा कि ये हुआ, या फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग जैसा कि हम इसके जो इससे पहले हमने एग्जांपल्स करे हमने उनमें ऑब्जर्व करा. तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही बेस्ड था. हमें कहा गया कि 2/11 को कन्वर्ट करो इनटू अ डेसिमल नंबर. तो डायरेक्टली हमने क्या करा कि हमने एक्चुअली डिवीजन करी. जब हम डिवीजन करना शुरू हुए तो हमने रियलाइज करा कि यहाँ पे सेम तरह का पैटर्न आना शुरू हो गया, पर अब की बार जो रिपीटेटिव पैटर्न बना दैट वॉज 0.18, फिर 1.8, फिर 1.8, फिर 1.8 एंड सो ऑन. तो अब की बार डेसिमल के बाद जो रिपीटेटिव पैटर्न बना दैट इज 0.18, 1.8, 1.8 एंड सो ऑन. तो जैसे हमने इस बात को रियलाइज करा तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करने की समझ थी, हमें क्लैरिटी थी कि दिस वॉज 0.18 और पूरे 1.8 के ऊपर बार. तो व्हाट वॉज द बेनिफिट टू इट. अब सोचो हम किसी को ये आंसर बोलें तो पढ़ने वाले को डायरेक्टली ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली ये 0.18, 1.8, 1.8 एंड सो ऑन है. तो हमारा आंसर एग्जैक्टली ये बनना चाहिए था. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ऑब्जर्व करना. अब सोचो कि हमारे सामने कभी कोई फ्रैक्शन दिया जाए तो जो क्वेश्चंस अभी हमने करे उनमें हमने एक्चुअली डिवीजन करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. पर एक्चुअली एक टेक्निक है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन जो हमें दिया जाए वो टर्मिनेटिंग बनेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. हमें हर बार कंप्लीटली सॉल्व करने की नीड नहीं अगर हमसे नहीं पूछा गया. तो वो पैटर्न क्या है कि सोचो कि कोई भी हमें एक फ्रैक्शन दिया जाए, मान लो P/Q, तो पहले हम उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते. अब सोचो 3/6 भी एक फ्रैक्शन है पर ये 3 से कैंसिल होने के बाद 1/2 बन गया. तो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, मतलब सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में ले आए जिसके कि आगे ये सिंपल नहीं हो पा रहा. तो इस फ्रैक्शन का जो सिंप्लीफाइड वर्जन बना वो 1/2 है. ये दोनों अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, दोनों एक तरीके से सेम बात बोल रहे हैं, पर इसका जो लोएस्ट फॉर्म बना दैट इज 1/2. तो अगर मान लो हमने किसी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, करने के बाद जो ये नंबर क्यू है इसको देखते हैं. अगर जो ये नंबर क्यू है, अगर इसमें क्यू के जो फैक्टर्स बने, क्यू अगर इस फॉर्म का बन सके, मतलब क्यू में जो टर्म्स इन्वॉल्व हों वो या तो 2 के मल्टीपल्स हों या फिर साथ में 5 के मल्टीपल्स हो जाएं. ओनली मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 आर अलाउड. अगर ऐसा होगा, सिंपली 5 की पावर्स अलाउड हैं एंड 2 की पावर्स अलाउड हैं, अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस P/Q वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. किसी भी और केस में ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल बनाएगा, दिस रैशनल नंबर. अब देखो इसका सेंस क्या बना. मान लो अगर हम एक नंबर देखें 2/9, तो हमें क्लैरिटी है कि इस केस में जो क्यू है दैट इज 9. 9 हमें विजिबल है कि ये 2 की पावर इंटू 5 की पावर इनमें से किसी फॉर्मेट का नहीं है,
तो विदाउट सिंप्लीफाइंग वी नो दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. हमने कहां से ऑब्जर्व करा, अकेले क्यू को देख के. इस पैटर्न को नोटिस करना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें बहुत हेल्प करता है. सिमिलरली मान लो किसी ने हमें नंबर दिया 37/250 और हमसे पूछा गया कि चेक वेदर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट. तो हमें एक्चुअली इसको डिवाइड करने की कोई नीड नहीं अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो. अगर स्कूल में डायरेक्टली ये पूछा जाए कि चेक वेदर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, तो हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करने की जगह हम केवल 250 को नोटिस करते हैं. तो एक्चुअली 250 स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली 25 × 10, मतलब 125 × 2. तो दिस इज 5³ × 2^1. तो एक्चुअली जो इस केस में क्यू है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मैट, 2 की कोई पावर मल्टीप्लाइड बाय 5 की कोई पावर. तो इसलिए दिस नंबर विदाउट सॉल्विंग वी नो दैट कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना. हम एक नंबर को डायरेक्टली फ्रैक्शन को देख के जज कर सकते हैं कि जो वो एक्सप्रेशन बनाएगा दैट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट. मान लो अगर हम सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल अगर लें, से फॉर एग्जाम्पल 17/256. तो एक्चुअली जो 256 है, हमने केवल इसको देखना है, इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं. केवल अगर ये पता करने को कहा जाए कि ये सिंप्लीफाई करने पे टर्मिनेटिंग बनेगा कि नहीं, तो हमें पूरी डिवीजन करने की कोई नीड ही नहीं होती. हमें विजिबल है कि जो 256 है इस केस में, ये 2 × 2 × 2 ऐसे 8 times है, मतलब दिस इज 2^8. तो ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में आ गया जो हमें चाहिए. अकेले 2 की पावर है, 5 की पावर n में n को सोचो कि 0 है, तो 2^8 बना. तो ये एक तरह से अकेले 2 की पावर के फॉर्मेट में है. तो विदाउट सॉल्विंग वी कैन डायरेक्टली से कि दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो इस पैटर्न को अपने माइंड में रखना. सिमिलरली मान लो हमें किसी ने नंबर दिया 7/15, तो 15 का फॉर्मेशन है 3 × 5. तो अब की बार यहाँ पे 3 × 5 आ गया, लेकिन 3 तो हमें क्लेरिटी है कि Q में अकेले 2 वाली टर्म और 5 वाली टर्म होनी चाहिए. तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, तो विदाउट सॉल्विंग वी नो दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. तो इस पैटर्न को अपने माइंड में रखना. हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पैटर्न बहुत हेल्पफुल हो सकता है. तो दिस वॉज अ डिफरेंट थॉट, पर डायरेक्टली इसको अब ऑनवर्ड्स हमेशा अपने माइंड में रखेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब आज वाली क्लास में करे हुए ये पॉइंट्स पूरी तरह हमारे माइंड में रहने चाहिए अब ऑनवर्ड्स. हमें क्लेरिटी है कि हर एक इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, इंटीजर ऊपर और इंटीजर नीचे. और एक्चुअली इंटीजर अकेला कोई भी हम इंटीजर लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल 11, तो 11 कैन बी रिटन एज 11/1. तो एवरी इंटीजर इज एक्चुअली इंटीजर ऊपर और इंटीजर डिनोमिनेटर में. तो इसलिए एक्चुअली दिस क्वालिफाइज टू बी अ रैशनल नंबर. हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा. तो इस पैटर्न को हम पूरी तरह अपने माइंड में रखेंगे. पर इसका रिवर्स नहीं ट्रू. हर रैशनल नंबर इंटीजर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर तो 2/3 भी है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है. मतलब रैशनल नंबर बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक बॉक्स है जो कि इंटीजर्स का बॉक्स है. तो इस पैटर्न को माइंड में रखेंगे. सिमिलरली हमें क्लेरिटी है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि होल नंबर तो इंटीजर वाले बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है. तो इसलिए एवरी होल नंबर इज इन इटसेल्फ अ रैशनल नंबर. सिमिलरली एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. बिल्कुल इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे. अब ये हमने नया पॉइंट करा कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर. जब हमने रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करा, तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बने या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल. तो इसको बोथ वेज अपने ध्यान में रखेंगे. हमें किसी ने एक फ्रैक्शन दिया, तो हमें क्लेरिटी है कि उसके डेसिमल में कन्वर्ट करने पे उसकी दो डायरेक्शंस बनती हैं. या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल बनेगा. तो इसका ही रिवर्स भी ट्रू है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें दिया जाए तो इट इज़ एक्चुअली आर रैशनल नंबर. मान लो कोई बोले 5.34, तो हमें क्लेरिटी है कि जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में आ जाएगा. दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सिमिलरली एवरी नॉन रिपीटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर. मान लो हमें कोई बोले 2.555 एंड सो ऑन, मतलब 2.5 किसी ने बोला,
तो हमें देखते ही क्लैरिटी है कि दिस इज अ रैशनल नंबर. अब की बारी एग्जैक्टली इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है, पर हमें क्लैरिटी है कि ये वहीं से बना होगा. तो इस थॉट को अपने माइंड में रखना इन लास्ट टू पॉइंट्स को भी हमेशा. अब नेक्स्ट देखते हैं. आज वाली क्लास में हमने सिंपली देखा कि एक रैशनल नंबर का सेंस क्या बनता है और एक रैशनल नंबर को अगर हम एक डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका प्रोसेस क्या है. नेक्स्ट क्लास में भी एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. जो आज वाले पॉइंट्स करे बस इनको एक बार रिकॉल करो.